बिहार में हर एक के लिए मुफ्त में वैक्सीन मिल जाएगा। सरकार काम क्या क्या, केवल कागज पे ना काम हुआ, रोड पे तो दिख नहीं रहा है। इस समय दो ही लोग पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, या तो राहुल गांधी या ओबीसी। आपने दो बार कहा कि कांग्रेस बेरोजगार हो गई है, पर यहाँ पर बहुत से युवा भी बेरोजगार हुए। भले ही देश में कोरोना खतरा अभी टला नहीं है, पर देश में गर्मा गर्मी जारी है, वह भी चुनाव की। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में अपने संबोधन में कोरोना महामारी के दौरान सावधानी रखने को कहा, पर फिर ऐसे कोरोना काल में चुनाव करवाने की क्या जरूरत थी। खैर, बिहार में चुनावों की तारीख तो पहले ही जारी हो चुकी है। पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को, दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर को और तीसरे चरण का मतदान 7 नवंबर और तीनों चरणों के मतदान संपन्न होने के बाद 10 नवंबर को चुनाव के नतीजे जारी किए जाएंगे। तब पता चल जाएगा कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी। अब चुनाव आ रहे हैं तो बड़े बड़े वादे भी होंगे, नेताओं की रैलियों में भीड़ भी बढ़ती जा रही है। पहले आप देखिए तेजस्वी यादव की रैली। इतनी ही भीड़ बीजेपी की रैलियों में भी होती है, पर आपको इन रैलियों में देख के कहां सोशल डिस्टेंसिंग दिखती है। खैर, बीजेपी की ओर से निर्मला सीतारमण का एक बयान सामने आया है, जिसमें वह कह रही हैं कि कोरोना वैक्सीन आते ही बिहार में लोगों को फ्री में दी जाएगी। कम से कम 4 वैक्सीन का प्रोडक्शन के ओर हम जा रहे हैं। अगर 1-2-3 ट्रायल स्टेजेस है, पहले एनिमल्स के ऊपर करते हैं, फिर लैब में दोबारा टेस्ट करते हैं, फिर ह्यूमन ट्रायल्स करते हैं। ये तीनों फेज पार करते हुए लास्ट स्टेज तक कम से कम 3 ऐसे वैक्सीन भारत देश में प्रोडक्शन के कगार पर आ गए हैं। सरकार के प्रोत्साहन के वजह से रेडी बैठे हैं कि लार्ज प्रोडक्शन करने के लिए। सो जब साइंटिस्ट इसको क्लियर करते हैं, हमारे देश में वैक्सीन का प्रोडक्शन उस लेवल पर होगा जिससे जो हम इधर प्रॉमिस कर रहे हैं, बिहार में हर एक के लिए मुफ्त में वैक्सीन मिल जाएगा, वो हमारे पहला संकल्प पत्र के प्रॉमिस है। भरोसा के साथ बिहार की जनता को हम आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि वैक्सीन फ्री में आप सबको मिलेगा। तो क्या इसका मतलब है कि बाकी देश में वैक्सीन नहीं दी जाएगी या उसके पैसे लिए जाएंगे? ये सिर्फ चुनावी वादे हैं लोगों को लुभाने के लिए। चुनावों में बड़े बड़े वादे तो हर सरकार करती है, पर देखना ये होता है कि क्या सच में वादे पूरे होते भी हैं या नहीं। अब बात करते हैं मीडिया द्वारा निकाले ओपिनियन पोल की। इंडिया टुडे आज तक ने कुछ सवालों पर ओपिनियन पोल निकाला, आप पहले ये देखिए। ओपिनियन पोल के मुताबिक नीतीश के एनडीए गठबंधन को 38% वोट मिल सकते हैं, तेजस्वी के महागठबंधन को 32% वोट मिल सकते हैं, 6 दलों वाले गठबंधन ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट GDSF को 7% वोट मिल सकते हैं, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को 6% वोट मिल सकते हैं। बिहार की कुल 243 विधानसभा सीट में एनडीए को 133 से 143 सीट मिल सकती है। बहुमत का आंकड़ा 122 है, यानी बहुमत के आंकड़े तक आराम से नीतीश पहुंच जाएंगे। तेजस्वी के महागठबंधन को 88 से 98 सीटें मिल सकती हैं। बेहतर मुख्यमंत्री के लिए नीतीश कुमार अब भी नंबर 1 है, उन्हें 31% लोग सबसे बेहतर मानते हैं, लेकिन 27% लोग तेजस्वी में भी संभावनाएं देखते हैं। ये नीतीश से ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है। इस रेस में चिराग पासवान हो या सुशील मोदी, दूसरे नेता दूर दूर तक नहीं है। इसके अलावा टाइम्स नाउ ग्रुप की ओर से भी ओपिनियन पोल सामने आया है, जिसमें उन्होंने पूछा था कि अगर आज वोटिंग हो बिहार में तो आप किस पार्टी को वोट देंगे। इसका जो जवाब मिला उनमें एनडीए को 34.4%, यूपीए को 31.8% और एलजीबी को 5.2% और औरों को 4.5% मिला है। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजम ने भी बिहार में जाकर
आम लोगों से चुनाव के बारे में बात की और उनकी समस्याओं को जाना और अपने चैनल के जरिए दिखाया। तो इस बार आप लोगों को क्या उम्मीद है, क्या करेंगे इस बार, कौन जीतेगा, क्या इरादा है? करना है, सरकार को चेंज करना है, सरकार बदलना तो जरूरी है। तो लेकिन ये सरकार तो कर रही है, बहुत काम किया, तो क्यों चेंज करना है? सरकार काम क्या क्या, केवल कागज पे ना काम हुआ, रोड पे तो दिख नहीं रहा है। आरा में विकास नहीं दिख रहा है? आरा में तो कोई विकास नाम की चीजें नहीं है। आज तक मेरा आरा टाउन का एक रोड तक नहीं बना जो मुख मेरा मार्ग है। कहे का मतलब बा कि नीतीश जी दारू बंद करा दलन आ गलिये गलिये दारू बेचाते बा। गली गली दारू बेचा रहा है? बेचा रहा है सर। अच्छा, एकदम। हम तो दिल्ली से आए, लोग कहते हैं शराबबंदी है बिहार में। यहाँ पर तो पूरा मिल रहा है। आप कुछ बोलेंगे, क्या है आरा में काफी विकास हुआ है? कुछ विकास नहीं हुआ है। क्यों? कुछ नहीं विकास हुआ। यहाँ से बीजेपी के सांसद है, सांसद से का मतलब विकास नहीं हुआ, रहना से का होगा? विकास का मतलब क्या सोचते हैं आप, क्या होता तो आपको लगता है? कैसे विकास हुआ? एक को नहीं किसी का नौकरी मिला, नहीं कुछ मिला, नहीं आपको वैकेंसी निकला, नहीं बहाली हुआ, क्या विकास हुआ है? आज तक पर भी बिहार के चुनाव पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर अंजना ने बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी के नेताओं से कुछ तीखे सवाल किए। आप पहले ये भी सुन लीजिए। मैं भी जनता की तरफ से एक सवाल राजीव जी से पूछना चाहती हूँ। राजीव जी एक बार बता दीजिए, लोग याद करना चाहेंगे, नीतीश जी पिछले 4 साल में कहाँ कहाँ कितनी बार इधर उधर गए? नीतीश कुमार जी और क्यों गए हैं? दो दशकों में ना इनको पूछने का। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं हो सकता ना कि आज आपको बीजेपी बहुत अच्छी लगे फिर कल गाली दीजिए। फिर मेरा जवाब तो सुन लीजिए। नीतीश कुमार जी ने 2 दशकों में एक बार एनडीए से बाहर आने का काम किया और राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के नेता यहाँ बैठे हैं, जनादेश के अपहरण की बात करते हैं। महाराष्ट्र में इन्होंने क्या किया, किनके साथ गए? अगर आपको जनादेश का जनादेश का अर्थ अगर आपको ये लगता है कि आपको परिवार और कुटुंब परस्ती के लिए आप बताइए, लोकसभा वाला कैसे चलेगा सर? गोल मत कीजिए। मैं एक बात, आप पिछला चुनाव कैसे लड़े थे मुझे एक बात बताइए। मैंने इनसे भी कई सवाल पूछे। ये सवाल आपसे जनता पूछती है कि नहीं जब आप लोग प्रचार में जाते हैं? उसका जवाब हम लोग दे रहे हैं। अगर हम 2019 के लोकसभा चुनावों की बात करें तो उसमें मुद्दे थे, एयर स्ट्राइक का जिक्र हुआ, पाकिस्तान का भी जिक्र बार बार हुआ और दिल्ली चुनाव में भी पाकिस्तान का बार बार जिक्र हुआ। तो बिहार में पाकिस्तान का जिक्र ना हो ऐसा कैसे हो सकता है? इस बार भी पाकिस्तान की एंट्री में हो चुकी है चुनावों में। आदित्यनाथ ने हाल ही में शशि थरूर के एक बयान का हवाला देते हुए कांग्रेस को घेरा और कहा कि दो ही लोग पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, एक राहुल गांधी और दूसरे AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी। कांग्रेस क्या कर रही है? अभी कांग्रेस के एक नेता का बयान आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, वह पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। इस समय दो ही लोग पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, या तो राहुल गांधी या ओवैसी, मान रहे हैं ना? क्या इन दोनों से देश के हितों की कोई कल्पना आप करते हैं क्या? देश के दुश्मन जो भारत के अंदर आतंकवाद फैला रहा हो, जो उसके हित की बात कर रहा हो, उससे उम्मीद ही क्या कर सकते हैं? वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरोप लगाया कि जब दुनिया भारत की तारीफ करती है तो राहुल गांधी पाकिस्तान की डफली बजाते हैं। पाकिस्तान के मुद्दे पर बीजेपी के हमलों पर कांग्रेस ने भी जवाब दिया है। कांग्रेसी नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी बीजेपी नेताओं के बयानों को मुद्दे से भटकाने की कोशिश बताया है। वहीं न्यूज 24 के वरिष्ठ पत्रकार ने भी इस मुद्दे पर डिबेट की और बीजेपी नेताओं से पाकिस्तान को इलेक्शन के बीच में लाने को लेकर सवाल किए। अपराजिता, मेरा सवाल बिल्कुल सीधा, चुनाव बिहार में हो रहे हैं, ये पाकिस्तान चीन इसकी बात कहां से आ गई? देश के राजनीतिक पटल पर कांग्रेस बेरोजगार हो चुकी है। पाकिस्तान जाकर या पाकिस्तान के बारे में बात करके या चीन के बारे में बात करके मुझे लगता है उन देशों में अपनी संभावनाओं की तलाशी कर रहे हैं। अच्छा, अभी इन्होंने शुरुआत की है। परिस्थितियां चुनाव के टाइम पर ही क्यों आती हैं? चुनाव के टाइम पर ही याद आता है ये पाकिस्तान परस्त हैं, ये राष्ट्रद्रोही ताकतें हैं, ये चुनाव के टाइम पर याद क्यों आता है अपराजिता? दो तीन सप्ताह में ये सब हुआ है। आप बेरोजगारी, आपने दो बार कहा कि कांग्रेस, एक मिनट सुनिए, आपने दो बार कहा कि कांग्रेस बेरोजगार हो गई है, पर यहाँ पर बहुत से युवा भी बेरोजगार हुए। किसी भी तरह का रोजगार उन्हें नहीं है, उनके पास नहीं है, तो मुद्दा विहीन पार्टी। चलिए, कांग्रेस को रोजगार मत दीजिए, आम आदमी के रोजगार की तो बात होगी, बेरोजगारी एक समस्या है कि नहीं? चुनावों को लेकर भारत के लोग क्या चाहते हैं वे खुलकर सोशल मीडिया पर बोलने लगे हैं। इन ओपिनियन पोल में ये चुनावी मुद्दे पर जनता से सवाल पूछे गए।
तब जनता ने भी विकास, बेरोजगारी जैसे मुद्दे को श्रेष्ठ बताया। चुनाव की गर्मा गर्मी के बीच प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री भी होने वाली है। सभी पार्टियां अपने लेवल पर जोर लगा रही हैं। देखते हैं कौन इस बार बिहार में सत्ता का ताज पहनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।